मैं कर्नल पिल्ले, मैं 1994 में 8th बटालियन द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के साथ मणिपुर में हम लोग तैनात थे ऑपरेशन हिफाजत में। उस ज़माने में काफ़ी नागा कुकी क्लैशेस चलता था और नागा जो इंसर्जेंट मूवमेंट था वो आर्मी के ख़िलाफ़ भी काफ़ी इनका एक्टिविटीज़ चल रहा था। मेरा एडमिशन था उनको, एक इंसर्जेंट ग्रुप था, उनको लोकेट करके उनको कैप्चर करना। 26 जनवरी के दिन पे वो एक ब्रिज और माइक्रोवेव टावर को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ट्रैक डाउन करना था मेरा मिशन। 4 दिन के सर्च के बाद में हम उनके जो लॉन्गडी पाबरम नाम के गांव में ये लोग छिपे हुए थे, 25 जनवरी 1994 के सवेरे 3 बजे हम उस गांव में पहुंचे और गॉड्स ग्रेस के कारण हम सही घर में पहुंच गए जहां पे वो छिपे हुए थे। एंड आई एंटर्ड द हाउस, आई इंटरवीन व्हेन आई सॉ दैट दे वर नॉट ओपनिंग एंड आई हैड अ बर्स्ट ऑफ AK-47 ऑन माई चेस्ट फ्रॉम दस मिलिटेंट्स वर हाइडिंग इनसाइड। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस। और तो एक ग्रेनेड उन्होंने फिर फेंका मेरे ऊपर, जो दरवाजे जो टूट के मेरे ऊपर कवर कर दिया था बॉडी को। देन वी हैड दिस एनकाउंटर गो ऑन फॉर अबाउट एन आवर। दे वर 2 चिल्ड्रन ऑल्सो हुआ वाउंडेड इन दैट एनकाउंटर। सो फाइनली आफ्टर अबाउट एन आवर्स फाइट वो सरेंडर किए, मिशन वॉज अकम्पलिश्ड। देर आफ्टर वी इवैक्यूएटेड द चिल्ड्रन फर्स्ट। इवन दो आई वॉज वाउंडेड बैडली माई सेल्फ, आई इंसिस्टेड बिकॉज वी वर देयर टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, वी आर प्रोटेक्टिंग द विलेजर्स। आई हैड 4 बुलेट्स, 3 इन माई आर्म्स एंड 1 इन माई चेस्ट, एंड अ ग्रेनेड ब्लास्ट ऑन माई लेग एंड राइफल बट हिट ऑन माई स्पाइन एंड शोल्डर। अ सोल्जर डजंट फाइट बिकॉज ही हेट्स हिज एनिमी, ही फाइट्स बिकॉज ही लव्स वॉट इज देयर इन हिज कंट्री। एंड आई लव माई कंट्री एंड माई कंट्रीमैन। यू नो दिस इज अ ग्रेट कंट्री टू बी बॉर्न इन, एंड वी फाइट टू अपहोल्ड वॉट इज वैल्यूएबल इन आर कंट्री। ऑल दैट आई वॉन्ट आर कंट्रीमैन टू रियलाइज, यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माई कंट्री, टू रियलाइज दैट दिस फ्रीडम दैट वी एन्जॉय इज समथिंग दैट हैज़ बीन पेड फॉर बाई अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉट फॉर आर फ्रीडम टू अपहोल्ड वॉट इज वैल्यूएबल फॉर अस। A lot of soldiers, a lot of policemen, a lot of officials, and a lot of countrymen, citizens who have given their life to uphold what is valuable in this country. I think सबसे ज़्यादा इस पर हमें देखना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम इनसे क्या लें। तो दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक एज अ सोल्जर वी आर विलिंग टू गिव आर लाइफ फॉर आर कंट्री, वी आर विलिंग टू डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ आर कंट्री दैट मेक्स अस अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यू सी ऑल अराउंड 1947, 2 countries became independent. See where the other countries and where we are today. So we must make this country better and greater. We must make sure that our people, our generation that is there, great, makes this country great, you know, and a country worthy of living, where people are free from fear, hunger, want, and any kind of, that. And she should feel proud to say that I'm an Indian. Red FM 93.5.